कुछ कहना चाहेंगे क्या कुछ ताजा जिन लोगों को जो है जम्मू कश्मीर इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आके आपने हमारे साथ ज्वाइन करा। इसमें क्या था सर कि एमएसएमई डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी पहले भी वर्क कर रहा है और बैंक भी पहले ऑलरेडी है, पब्लिक भी ऑलरेडी है। इसमें एमएसएमई पीसीए को क्यों आना पड़ा? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है सर कि सेंट्रल सरकार की कुछ स्कीमें जो होती हैं वो पब्लिक तक जन जन तक पहुँचाई जा सके, उनका लाभ कैसे लिया जा सके, उसके लिए एमएसएमई पीसीए अहम रोल कर रही है। इसमें क्या था सर कि सेंट्रल सरकार में कुछ स्कीमें आती थी, लोगों को पता नहीं था, वो बैंक के पास अगर अपना बिजनेस अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन लेने के लिए जाती थी तो वो प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती थी। बैंक अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्हें बता देता था तो उन्हें, लेकिन ये लगता था कि ये डॉक्यूमेंटेशन कभी तैयार ही नहीं हो पाएगी हमसे, तो वो फिर उस लाइन पर चल नहीं पाते थे। हमारा सबसे बड़ा सहयोग ये है कि उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन सारी जैसी भी रहेंगी वो रेडी करवा के, रेडी टू मूव एकदम बढ़िया तरीके से रेडी करवा के बैंक तक पहुंचाने का और बैंक से लोन दिलाने का और जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं उनका लाभ उठाने का, उन्हें दिलाने का काम एमएसएमई पीसीए करेगी। जम्मू कश्मीर में एक आम इंसान को कितना तक वो लोन मिल सकता है और गरीब इंसान को और क्या स्कीमें जैसा ग्रांटर की जरूरत पड़ेगी? सर इसमें ऐसा है कि जैसे आपने पहले पूछा था कि एमएसएमई कैसे काम करेगी, तो उसमें ये चीज़ें हैं सर कि अभी जो सरकार की आरबीआई की गाइडलाइन है स्कीमें कुछ पीएमजीपी और सीजीडी एमएसएमई है स्टैंडअप इंडिया में है, वहाँ से 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक किसी भी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी लोन के लिए। मैनुफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई अपना अगर कारोबार शुरू करना चाह रहा हो तो उसे 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक विदाउट कलेक्ट्रल लोन मिल सकता है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लोन दिलाया जाए। सर लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये भी बताएं कि इसमें लोन जो है वो इस पर इंटरेस्ट कितना लोगों को पे करना होगा? इंटरेस्ट मैम ये नियर अबाउट आप लगा लीजिए कि 85 पैसे 90 पैसे का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले ही कम होता है। मेन तो ये है कि मैम सरकारी कोई भी रहे मैम यहाँ पे, मान लो सबसे ज़्यादा क्या है कि बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसमें एमएसएमई पीसीए ने एक सोच ऐसा एक मजबूती से खड़ा हुआ है कि अगर हम किसी को जॉब नहीं दे सकते लेकिन उसे ऐसा तो बना सकते हैं ना कि वो आम पब्लिक में घुस के बीच जाके वो सबको अपना स्वरोजगार बनवाए और वो अपने एक बिजनेस स्टार्ट करके अपने जैसे और भाइयों को वहीं पे अपने जहां जॉब प्रोवाइड करवाए और बिजनेस स्टार्ट करा के वो अपना अहम बेरोजगारी दूर करने के लिए रोल अदा कर सकते हैं। इसमें मैं रियासतों में अभी तक कितने लोगों को जो है इस स्कीम का फायदा हुआ और कितने लोग जो आपके साथ हैं? अभी हम लोग ऑलरेडी 20 स्टेटों में स्टेब्लिश है सर, नियर अबाउट हर स्टेट में हमारी जो टीम है वो 500 से लेकर 700 लोगों की है जो घर घर जाके लोगों को ये स्कीमों का इनकी पॉलिसियों के बारे में बता रही है। तो ऑलमोस्ट सर अभी एक शुरू करा है तो काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ है। मैंने पंजाब में ऑलरेडी काफ़ी लोगों को लोन दिलाया है, बेनिफिट किया है, ये राजस्थान में हरियाणा में यूपी में सर और हम लोग साउथ में भी है, कोशिश चल रही है सर। अगर किसी शख्स ने लोन लेना हो तो वो कहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है, कहाँ से फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाना सकता है? सर अभी हमने एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है और यहाँ भी जम्मू के लिए भी टोल फ्री नंबर लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर किसी को जरूरत होगी लोन की तो हमारे यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं बहुत ही मेहनती हैं, हर वर्क रहे ये काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ ऑफिस होगा, वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकते हैं वहाँ पे कौन सा लोन लेना है और हमारी तरफ से एमएसएमई पीसीए की तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी, पूरा उसे प्रपोजल तैयार करके बैंक से लोन दिलाने तक की जिम्मेदारी सर हमारी रहेगी। थैंक यू सर।